नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर राधिका केलकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। ये वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस रिलेटेड कुछ बताने वाली हूँ। जो लॉकडाउन के अंदर हम सब है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, अपना इमोशनल एस्पेक्ट, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे लगता है ये जो लॉकडाउन हुआ है ये हमारे सभी के जिंदगी में ये एक पहला अनुभव है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। हमने जो लाइफ तक लिव की है तो उसमें कोई भी ऐसा मौका कभी आया नहीं कि सब लोग कर्फ्यू है और किस दिन तक घर के अंदर है, किसी को बाहर जाना अवॉइड करना है, ये पहले कभी हुआ नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है कि अभी क्या करें, इन दिनों में क्या करें। कोई लोगों का जो टाइम है वो ऐसे ही जा रहा है, बस दिन शुरू होता है और कैसे खत्म हो जाता पता नहीं लगता, फोन में चला जाता है या फिर सोने में चला जाता है। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं और कैसे इस जो प्रॉब्लम है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना। तो सबसे पहली बात है कि एंजाइटी जो आजकल लोगों के मन में है कि ये कोरोना कैसे फैलेगा, कितना इसका परिणाम होगा अपने पृथ्वी पे और कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा कोरोना, मुझे तो नहीं होगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को तो नहीं होगा, ये जो थॉट्स है एंजाइटी अबाउट फ्यूचर कि आगे क्या होगा मेरा, तो ये आपको कहीं ना कहीं चेक करनी चाहिए। क्योंकि आपको प्रिकॉशंस तो आपको लेने ही है नो डाउट, पर उसके बाद भी अगर थॉट्स आ रहे हैं कि अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कितने लोगों को होगा, मुझे तो नहीं होगा, ये जो एंजाइटी है फ्यूचर के बारे में जो नेगेटिव थॉट्स है वो आपको चेक करने हैं, यानी कि कट डाउन करने हैं। जो थॉट्स आते हैं तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। और फिर दूसरी बात है कि जो सोशल मीडिया है, फोन है, गैजेट का यूज है, काफी लोगों को आदत हो गई है बार बार चेक करना कि कितने केसेस बढ़े, मेरे एरिया में कुछ हुआ कि नहीं, मुंबई में क्या हुआ, बाकी देशों में क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, तो ये चेक करने की एक आदत लग गई है। तो ये कट डाउन कीजिए। जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनका नंबर देखिए कि सिर्फ 2% लोग सीरियस हो रहे हैं, बाकी के लोग रिकवर हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव पार्ट है कोरोना का। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे, प्रिकॉशंस लेते रहे ऑब्वियसली, पर जो चिंता के विचार है उसको कट डाउन कीजिए। फिर और जो भी टाइम मिलता है आपको तो आप वो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ गुजार सकते हैं, एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन के साथ, अच्छे से घुल मिल के। ऐसा नहीं कि सब लोग साथ में है तो ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। दूसरों को जो पसंद है वो करने की कोशिश कीजिए। अब तक की लाइफ में हम हमेशा कंप्लेन करते हैं घर के लिए टाइम नहीं मिलता, इतना काम है, इतना बाहर कुछ काम है, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो घर के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो ये जो कंप्लेंट है वो आप अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो घर वालों को टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, अच्छा क्वालिटी टाइम जिसे हम बोलते हैं वो कीजिए। बहुत सारे पेंडिंग हमारे मन में रहती है इच्छाएं कि मुझे ये सीखना है वो सीखना है, पर टाइम नहीं है, ऐसा हम हमेशा बोलते हैं। तो ये जो टाइम मिला है आप उसके लिए यूज करें, कोई तो नई चीज सीखे, लर्न समथिंग न्यू, तो वो बहुत ही रेजुविनेटिंग होगा और आपको बहुत ही एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगी एट द एंड ऑफ 21 डेज कि मैंने ये पीरियड को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। तो ये आप कर सकते हैं, लर्निंग समथिंग न्यू। जैसा कि मैंने पहले बोला कि गैजेट यूज को कम रखना है, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया के लिए वो कम करनी है, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम जाता है आपका, यू डोंट लर्न एनीथिंग न्यू। तो ये करो। और एक चीज जो आप कर सकते हैं कि आप प्लान कर सकते हैं कि आप लॉकडाउन के बाद आपकी लाइफ कैसे जीने वाले हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन जो पीरियड आया है हमारे लिए सबके लिए ये एक सोचने की बात है कि इतनी जो भागा दौड़ी चालू थी वो सही में वो जरूरी थी या नहीं थी, या फिर लोग बिना कोई कारण के भाग रहे थे, बिना कोई कारण के बाहर जा रहे थे। तो ये आप सोच सकते हैं कि मुझे इस पीरियड के बाद अपनी लाइफ कैसे जीनी है, क्योंकि ये आपको एक 21 डेज का पीरियड मिला है जिसमें आप सोच सकते हैं कि आप घर पे रह के क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ अलग हो सकती है। तो ये सबके लिए है, सब लोग इसके बारे में सोच सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि इसके आगे आपको लाइफ आपकी कैसे आपको जीनी है, कि पहले आप जी रहे थे वैसे ही जीनी है या फिर उसमें कोई नई चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें डिलीट करनी है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 21 डेज के लिए कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो जंक फूड नहीं खा रहा है, बाहर के रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, होटल में नहीं जा रहे, तो पहले बहुत फ्रिक्वेंटली सब जा रहे थे, सब यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो यार ये सब करना जरूरी है कि नहीं है, इसके लिए आप एक थॉट, यू कैन गिव इट अ थॉट एंड डिसाइड कि आपको आगे कैसी अपनी लाइफ जीनी है। तो आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे कॉमेडी हो रही है कि लोग स्पेंड कर रहे हैं टाइम अपना, बटन पंखा बंद करने के बाद कितने टाइम में पंखा बंद हो रहा है ये देखने में लोग
क्योंकि किसी को भी काम नहीं है, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे जोक्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो ये ना करें और आपका जो टाइम है वो मैंने जो बताया उस लाइन पे आप सोच सकते हैं कि क्या क्या कर पाएंगे आप। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।